खबर के प्रायोजक, बचपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ी मैरवा में तुरंत संपर्क करें। 27 रूम, 3 बैंक्वेट हॉल, 2 रेस्टोरेंट यानी सिवान का सबसे बेस्ट और लग्जरी होटल होटल ग्रांड पाटलिपुत्र का उद्घाटन हमारा कॉलेज। नमस्कार प्रणाम, हम है राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा बा सिवान जिला से। अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा बा कि जिला के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के लद्दी बाजार हाई स्कूल रोड मलाही टोला के समीप अपराधियन के द्वारा एगो युवक के गोली मार दिया गया बा। घटना के बाद घायल युवक के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति के देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया बा। जौन लद्दी बाजार निवासी दीपक चौधरी के रूप में बतावल जाता रहे। तो बहुत बड़ा खबर, अहम खबर सबसे पहले भोजपुरी बतकही पर रुआ के सबसे पहले दे रहा जाता। अगर भोजपुरी बतकही अब तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब करें। अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा बा सिवान जिला से। अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा बा कि जिला के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के लद्दी बाजार हाई स्कूल रोड मलाही टोला के समीप अपराधियन के द्वारा एगो युवक के गोली मार दिया गया बा। घटना के बाद घायल युवक के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति के देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया बा। जौन लद्दी बाजार निवासी दीपक चौधरी के रूप में बतावल जाता रहे। तो बहुत बड़ा खबर, अहम खबर सबसे पहले भोजपुरी बतकही पर रुआ के सबसे पहले दे रहा जाता। अगर भोजपुरी बतकही अब तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब करें। रौरा के बता दें, हालांकि सिवान पुलिस लगातार मामला के छानबीन में जुटल बिया। पहुंचल तत्काल पुलिस मौका पर पहुंच के मामला के छानबीन में जुटल बिया। काहे ई घटना भइल ए बात के लेके तमाम तरह के चर्चा बा। तरुआ के हर खबर भोजपुरी बतकही अपना भाषा में सबसे पहले दे रहा बा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो अपना भाषा के चैनल के सब्सक्राइब करी। सिवान में बहुत बड़ा खबर, अभी के एगो बहुत बड़ा घटना तरुआ के बिग ब्रेकिंग सबसे पहले दे जाता। अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा बा सिवान जिला से। अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा बा कि जिला के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के लद्दी बाजार हाई स्कूल रोड मलाही टोला के समीप अपराधियन के द्वारा एगो युवक के गोली मार दिया गया बा। घटना के बाद घायल युवक के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति के देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया बा। जौन लद्दी बाजार निवासी दीपक चौधरी के रूप में बतावल जाता रहे। तो बहुत बड़ा खबर, अहम खबर सबसे पहले भोजपुरी बतकही पर रुआ के सबसे पहले दे रहा जाता। अगर भोजपुरी बतकही अब तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करें। छोटे बच्चों के किसी भी तरह के इलाज के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। मुझे तो रुआब जा गुलाब जा से मजा आ गया, आप शेयर करें। और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के तरफ से सारा सिवान के जनता के रामनवमी के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन